हेलो लर्नर्स, रेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इरा एंड इपोच चार्ट। हम अब आप सब भी जानना चाहते होंगे कि हम अचानक से इरा एंड इपोच पे कैसे आ गए। हम तो ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स के ट्रिक सीरीज देख रहे थे, अचानक से इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के टॉपिक पे कैसे आ गए। तो इसका रीजन है ये, ठीक है, जो मेरी पिछली वीडियो थी अमाइनो एसिड नेमोनिक वाले, उस पर आप सबके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने मुझे इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन भी दिए, तो मैं उस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहूँगी और ध्यान रखूँगी कि दोबारा उनको कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो मेरे बोलने के तरीके की वजह से। प्लस ये जिसकी भी रिक्वेस्ट है, लाइफ एस सी बॉय, मैंने इनका प्रोफाइल जो है मैंशन कर दिया है। इनके डिमांड पर आज ये नेमोनिक आ रही है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे डिमांड्स कर सकते हो, स्पेसिफिकली किसी भी टॉपिक का नाम जो है वो सजेस्ट कर सकते हो मेरे नेमोनिक सीरीज वाले, ट्रिक सीरीज वाले वीडियोस में, या फिर वहाँ माइंड मैप वाला जो सीरीज चल रहा है उसमें भी आप सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी क्या हो रहा है ना, जो माइंड मैप वाला सीरीज है उस पर व्यूज़ काफ़ी कम मिल रहे हैं, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कमेंट्स भी काफ़ी कम है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो टॉपिक आपको शायद चाहिए नहीं होगा, इसलिए शायद आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा इतना, ठीक है। तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे माइंड मैप चाहिए, तो वैसा अपन इधर कर लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे कि कौन सा टॉपिक पहले जाएगा, कौन सा टॉपिक बाद। अभी मैं क्या ट्राई कर रही थी कि सब कुछ सीक्वेंस में जाए, जितने भी माइंड मैप सीरीज है वो मतलब एकदम इनिशिएशन से शुरू करें, टॉपिक न्यूक्लिक एसिड से शुरू करें और फिर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और वो सब करके पूरा एंड तक कवर करें। बट मेरे को लग रहा है कि आप सबको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है छोटे टॉपिक्स को कवर करने में, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर बायो में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका माइंड मैप नोट्स आपको चाहिए या माइंड मैप सीरीज जिस पे आपको चाहिए, तो मैं वो सीरीज वैसे कवर करूंगी, ठीक है। वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई। अब इसके बाद अब अगर नेमोनिक सीरीज में आपको कोई अलग से कोई टॉपिक चाहिए, कोई दिक्कत है, तो आप उसको भी बता सकते हो। मैं मेंशन भी करूंगी उन सबका नाम जो मेरे को सजेस्ट करेंगे, जैसे मैंने आज इनका किया है, ठीक है। तो इनको थैंक यू बोल रही हूँ मैं कि इन्होंने मेरे को एक टॉपिक सजेस्ट किया, क्योंकि ये टॉपिक चूज करना भी कि किस टॉपिक पे नेमोनिक लाना है, किस टॉपिक पे ट्रिक लाना है, ये भी काफ़ी ऐसा उलझन भरा होता है, अपने को बहुत सोचना पड़ता है कि किस टॉपिक पे नेमोनिक लाएं अब अगली बार। तो अगर आपके सजेशंस होंगे तो मेरे को उनमें से चूज करने में काफ़ी ईजी होगी कि हाँ बच्चे को ये चाहिए और मेरे को ये चीज़ करनी है अभी। तो इनको पहले तो थैंक यू, और हम शुरू करेंगे अब कि इरा एंड इपोच चार्ट क्या है, ठीक है। इरा एंड इपोच चार्ट ऐसा कुछ है, ये जो है इयॉन्स, सबसे पहले हम बात करें इपोच, कई सारे इपोच मिलके एक पीरियड बनाते हैं, ठीक है, एक और कई सारे पीरियड मिलके एक एरा बनाते हैं और कुछ एरा मिलके इयॉन बनाते हैं, ठीक है। अब अगर देखें इयॉन, इरा, पीरियड, इपोच, एज, इसको कैसे याद रखना है, इनके सीक्वेंस को कैसे याद रखना है, क्योंकि एक जो सबसे छोटा है वो एज है, कई सारे एज मिलके इपोच बन रहे हैं, इपोच कई सारे मिलके पीरियड बन रहे हैं और पीरियड कई सारे मिलके एरा और फिर इयॉन बन रहे हैं। अब इनको याद कैसे रखना है, इसके लिए ट्रिक है कि किंग लियोन्स एरा वॉज अ परफेक्ट एंड एपिक एज, ठीक है। कोई कोई किंग है, किंग लियोन, उनका जो एरा है वो परफेक्ट एंड एपिक एज है, ऐसा याद रखना है, है ना। हम अगर इसको ऐसा याद रख लेंगे किंग लियोन्स एरा वाज अ परफेक्ट एंड एपिक एज, तो अपने को ये क्लियर रहेगा कि इयॉन सबसे बड़ा है, क्योंकि वो सबसे पहले आ रहा है, इयॉन सबसे बड़ा है, फिर एरा आ रहा है, फिर पीरियड, फिर रिपोर्ट, फिर एज, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि एज कई सारे एजेस को मिला के इयॉन बनता है, इपोच बनता है कि इयॉन बनता है, क्या बनता है, ये जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये चीज याद रख सकते हैं, किंग लियोन्स एरा वाज अ परफेक्ट एंड एपिक एज। अब इसके बाद इयॉन ट्रिक कैसे, इयॉन कैसे याद रखना है, उसके लिए हम एक वर्ड याद रखेंगे, हैपन। हैपन यहाँ पे आप देख सकते हो कितने इयॉन्स है, फेनरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडन, जो सबसे पुराना है, वो हेडन, फिर आर्कियन, फिर उसके बाद प्रोटेरोजोइक,
और उसके बाद है फैनरोजोइक। अब इनको भी सब डिवाइडेड करते हैं हम एरा में, ठीक। अब इसको ये जो नीचे के जो ओल्ड है, हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ये प्री कैम्बियन में आते हैं और उसके बाद ये कैम्बियन में आते हैं। इस तरह से आपको इओन इरा याद रखना है। तो यहाँ पे ये प्री कैम्बियन है, हेडन, आर्कियन, प्रोटेरियोजोइक और फेनरोजोइक। इसको याद करने का एक तरीका ये है कि हमेशा हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, क्यों, ओल्ड टू यंगर एज की तरफ मूव करेंगे, इसलिए हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, है। अब क्या है, हेडन, आर्कियन, प्रोटेरियोजोइक, फेनरोजोइक एंड इओन। इओन के लिए हमने ईएन यूज किया है, हेडन के लिए हेडन, आर्कियन के लिए पी, प्रोटेरियोजोइक और एक और पी फेनरोजोइक के लिए। तो ये मिलके बनता है हैपन, ठीक है। अब अपने को क्या याद रखना है, हैपन याद रखना है, समझ में आया, हैपन याद रखने से इओन याद हो जाएगा अपने आप। इसके बाद बारी आती है इरा की। इरा याद रखने के लिए अपने को एक लाइन याद रखनी है, पॉकेट में सेंटर फ्रेश एंड इरेजर, या हम याद रख सकते हैं कि प्लेट में सेंटर फ्रेश एंड इरेजर। ऑब्वियसली हम सबके पॉकेट में कभी ना कभी कॉलेज जाते टाइम या कभी तो सेंटर फ्रेश तो होता ही होता है, इरेजर और एक्स्ट्रा रखना है ना, इरेजर और एक्स्ट्रा रख लिया, हमने याद कर लिया इसको, पॉकेट में सेंटर फ्रेश एंड इरेजर या प्लेट में सेंटर फ्रेश एंड इरेजर। तो पॉकेट या प्लेट जो है वो डिनोट कर रहा है पैलोजोइक एरा को, ठीक है। उसके बाद मीजोजोइक जो है वो डिनोट कर रहा है मे को, सेनोजोइक डिनोट कर रहा है सेंटर फ्रेश को, एंड एरा आपको याद रहेगा कि ये लाइन एरा के लिए, इसलिए इरेजर लगा है। इरेजर लगाने से क्या हो रहा है कि आपको याद रहेगा एरा, अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हो पॉकेट में सेंटर फ्रेश या प्लेट में सेंटर फ्रेश, ठीक है, लेकिन एरा लगाने से अपने को याद रह रहा है कि ये इरेजर लगाने से याद रह रहा है कि ये एरा है, ओके। अभी क्या है, हेडन का हमने देख लिया कि ये प्री कैम्बियन में है, इसको यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सेनोजोइक को काउंट कर रहे हैं। पैलियोजोइक के लिए पॉकेट प्लेट, मीजोजोइक के लिए मे और सेनोजोइक के लिए सेंटर फ्रेश, एरा के लिए इरेजर। तो ये हो गया पॉकेट में सेंटर फ्रेश एंड इरेजर, है ना, आसान। अब हम याद करेंगे पीरियड। तो पीरियड को तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, क्योंकि एक बहुत लंबा सेंटेंस बनाती है और सब आप कंफ्यूज हो जाते कि पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सोइनोजोइक और ये इसके बाकी जो सब पार्ट है, सो सब पीरियड हैं, वो किस में है, ये सब बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता अगर सिंपल एक सेंटेंस बनती, तो इसलिए तीन सेंटेंस बना रहे हैं। पहला पीरियड ट्रिक जो है वो नीचे से ही बनेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो नीचे से है वो सबसे पुराना है, जैसे सबसे पुराने पीरियड्स हैं, जो सबसे ऊपर आएंगे वो सबसे नए पीरियड्स हैं। तो पीरियड थ्री में नए पीरियड होंगे, पीरियड टू में मिडल वाले होंगे और पीरियड वन में ओल्ड पीरियड्स होंगे जितने भी होंगे, ठीक। अब पीरियड वन को याद रखने के लिए क्या है, पीरियड वन में क्या है, पैलियोजोइक है, एरा जो है वो पैलियोजोइक है, उसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेनोनियन, मिसिपिलियन, पेनिसिल्वियन और परमियन, इतने सारे हैं। अब पीरियड, इन सारे पीरियड्स को कैसे याद रखना है, ऑर्डर यही है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, पेनिसिल्वियन, मिसिपियन, परमियन। ये पेनिसिल्वियन और मिसिपियन जो हैं वो कार्बोनिफेरियस में आते हैं, कार्बोनिफेरियस के दो पार्ट हैं। अब अपने को इसको याद कैसे रखना है, देख तो लिया ही होगा आपने कि क्या लिखा है मैंने, फिर भी बताती हूँ कैसे याद रखना है। कैमरा ऑर्डर किया शीलू एंड देवोनिता ने पेमेंट मीशो कार्ड पर, ये सेंटेंस याद रखना है। कैमरा किसको कर रहा है डिनोट, कैम्ब्रियन को, ऑर्डर किसको डिनोट किया, ऑर्डोविशियन को, शीलू ये कोई लड़की है, शीलू और देवोनिता आपको याद रखना है, शीलू एंड देवोनिता ये कैमरा ऑर्डर कर रही हैं, कैमरा ऑर्डर किया सिल्यूरियन को शीलू और देवोनियन को देवोनिता, याद रखना है।
कार्बनिफेरियस, कार्बनिफेरियस के लिए क्योंकि कार्बनिफेरियस से याद रहे कि पेनिसिलिन मेसिपियन इनके पार्ट हैं, तो यहाँ पे ऐड किया गया है पेनिसिलिन के लिए पेमेंट, मेसिपियन के लिए मीशो और कार्बनफेरियस के लिए कार्ट। ओके, अब इसके बाद परमियन के लिए पर वर्ड यूज किया गया है। अब ये पूरा मिला के बनता है कैमरा ऑर्डर किया शीलू एंड देवोनिता ने, पेमेंट मीशो कार्ड पर। तो शीलू एंड देवोनिता कोई दो लड़कियां हैं जिन्होंने कैमरा ऑर्डर किया और उसका पेमेंट कहाँ किया? मीशो कार्ड पे। कहाँ? मीशो कार्ड पे। तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों लड़कियों ने कहाँ पे पेमेंट किया। कार्ड से आपको कार्बन फेरियस याद रहेगा, पेमेंट से आपको पेनिसिलिन याद रहेगा और मीशो से मेसिपियन याद रहेगा। इजी है पीरियड वन याद करने के लिए, समझ आया? अब पीरियड टू याद रखने के लिए क्या है? पीरियड टू याद रखने के लिए है, पहले तो पीरियड टू जो है मेसोजोइक एरा में है, इसके तीन पार्ट हैं, तीन पीरियड्स हैं, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है, मेसोजोइक, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अब इसको मेसोजोइक जो है उसको डिनोट कर रहे हैं मेस से, ट्रियासिक को त्रिशा से, त्रिशा कोई लड़की है यहाँ पे, मिस त्रिशा। ठीक है, अब जुरासिक जो है वो जुरासिक पार्क, समझ में आना है। क्रिटेशियस जो है वो क्रेटा कार बना लिया, सबको याद होगा कि कार जो है वो क्रेटा कार है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है वो है, मिस त्रिशा विजिटेड जुरासी पार्क इन क्रेटा कार। क्या है? मिस त्रिशा विजिटेड जुरासी पार्क इन क्रेटा कार। आराम से याद हो जाएगा कि कोई मिस त्रिशा है वो क्रेटा कार में बैठ के जुरासिक पार्क को विजिट करते हैं। ऑर्डर आपको याद यही सेम रखना है, क्योंकि मिस से आपको मेसोजोइक एरा याद आएगा, बाकी जो है त्रिशा जो है ट्रेसिक और जुरासिक पार्क जुरासिक और क्रेटा कार जो है वो क्रिटेशियस आपको याद दिला देंगे। तो ये भी कितना ईजी था याद करने में, क्रेटा कार याद रखना, एक लड़की का नाम याद रखना और जुरासिक पार्क याद रखना है, कितना आसान है। अब पीरियड थ्री के बारे में बात करेंगे। पीरियड थ्री में सेनोजोइक एरा को हम इंक्लूड कर रहे हैं और सेनोजोइक एरा में तीन पीरियड्स हैं, पहला है पैलियोजीन, दूसरा है नियोजीन और तीसरा है क्वार्टनरी। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही इसी ऑर्डर में लिख लिया है कि आपको याद हो कि ये इसी ऑर्डर में पैलियोजीन, नियोजीन और क्वार्टनरी, उसके बाद सीनोजोइक। तो और ऐसे लिख के पैलियोजोनिक के लिए वर्ड यूज किया गया है प्लीजिंग, ठीक है, प्लीजिंग, और नियोजीन के लिए न्यू, क्वार्टनरी के लिए क्वीन एंड सीनोजोइक के लिए सैनोरिटा। तो प्लीजिंग न्यू क्वीन सैनोरिटा, प्लीजिंग न्यू क्वीन सैनोरिटा, कितना अच्छा है ना। कोई क्वीन है जो बहुत प्लीजिंग है, न्यू है और उसका नाम सैनोरिटा है। तो प्लीजिंग न्यू क्वीन सैनोरिटा आपको पीरियड थ्री को याद रखने के लिए करनी है। अब इपॉक की बारी आई कि इपॉक के लिए क्या याद रखेंगे, इपॉक में भी क्या है। जैसे कि पहले ही हमने देखा पीरियड कितने हैं, पैलियोजीन, नियोजीन और क्वार्टनरी। अब ये सारे पीरियड फर्दर इपॉक में डिवाइडेड हैं, हर किसी के पास दो इपॉक है या दो या तीन, क्वार्टनरी और नियो के पास दो इपॉक है, पैलियो के पास तीन इपॉक है। कैसे याद रखना है उसके लिए है, अगर हम पैलियोजीन वाले पीरियड की बात करें तो उसमें पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, तीन तरह के तीन जो है इपॉक है। इनको हमने याद रखना है कैसे, पार्ले जी, पार्ले इक्लेयस, ओरियो, पार्ले जी, पार्ले इक्लेयस, ओरियो। पार्ले जी जो है, पार्ले में पी ए एल ई जो आ रहा है, पी ए एल ई है ना, वो आपको पेलियोजीन का पेल जो वर्ड है वो याद करने में हेल्प करेगा। ये जो जी है वो आपको याद रखने में हेल्प करेगा कि ये जो पेलियोजीन पीरियड है उसके बारे में है, पेलियोजीन
तो ये जो भी लाइन याद होगी, जो भी पॉच याद होगा, वो पैलियोजीन के बारे में होगा। ठीक, अब दोबारा जो आ रहा है पार्ले, उसके लिए है पैलियोसीन के लिए, क्योंकि एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि एक पैलियोजीन का है तो दूसरा पैलियोसीन के लिए। फिर इक्लेयर जो है वो ईओसीन के लिए है, और ओरियो जो है वो ओलिगोसीन के लिए। ओरियो ओलिगो, ओरियो ओलिगो, ओरियो ओलिगो, सिमिलर साउंड कर रहे ना, तो आपको याद हो जाएगा पार्ले जी, पार्ले इक्लेयर्स, ओरियो। पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन। इसके बाद जो है वो नियोजीन है। नियोजीन पीरियड में दो इपॉच हैं, कौन कौन से? मियोसीन और प्लियोसीन। मियोसीन पहले आता है, प्लियोसीन बाद में आता है, तो इसी तरह इसका ऑर्डर है। नियोजीन को डिनोट कर रहे हैं न्यू से, मियोसीन को डिनोट कर रहे हैं माइक से, और प्लियोसीन को प्लीज से, प्लीज प्लियो, प्लीज प्लियो, ऐसा है ना, माइक मायोसीन। एडजस्ट कर सकते हैं इतना साउंड में, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? न्यू माइक प्लीज, नियोजीन, मियोसीन एंड पीलियोसीन को कैसे, पीलोसीन को कैसे याद रखेंगे? न्यू माइक प्लीज, न्यू माइक प्लीज। जैसे ही आप याद रखोगे न्यू माइक प्लीज, तो आपको याद आ जाएगा नियोसीन, मायोसीन, प्लायोस, प्लायोसीन। ठीक है, आपको ये चीज याद आ जाएगा। इसके बाद है क्वार्टनरी, क्वार्टनरी वाला पीरियड है। उसके बाद उसमें दो इपॉच हैं, कौन से हैं? प्लेस्टोसीन और होलोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। तो यहाँ पे एक स्टोरी है कि किसी बंदे का हाथ टूट जाता है, और जब वो इमरजेंसी वार्ड में जाता है वहां पे चेक कराने, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि क्विक प्लास्टर हो। क्विक प्लास्टर हो, तो उसके लिए याद रखेंगे जो क्विक वर्ड है, जो क्विक वर्ड है वो डिनोट करता है क्वार्टनरी को, और प्लास्टर जो है वो प्लास्टोसीन, और जो हो है वो होलोसीन को डिनोट करता है। बराबर। अब इपॉच को याद रखने का एक दूसरा ट्रिक और है, वो ये है, एक सिंगल सेंटेंस पर आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि पैलियोजीन में कौन सा है, नियोजीन में कौन सा है, क्वार्टनरी में कौन सा है, इतना कॉन्शियस रहना होगा इसके लिए। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफन मेक पीपल प्योर हार्टेड। ठीक है, पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफन मेक पीपल प्योर हार्टेड। तो इतना याद रखने से आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा ये पूरा जियोग्राफिकल टाइम स्केल। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।